नागौर जिले का दृश्य आप देख रहे हैं। नागौर से भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन किया है और आप सब जानते हैं कि हनुमान बेनीवाल पार्टी के साथ भाजपा का गठबंधन यहां पर है। एनडीए के उम्मीदवार के रूप में यहां पर हनुमान बेनीवाल चुनाव लड़ रहे हैं और एक छोटा सा गांव है रतावा, जहां पर आप कुछ ही देर में रताऊ गांव में हनुमान बेनीवाल पहुंचने वाले हैं। बहुत सारे लोग आप देख रहे हैं यहां पर, मैं उनसे बातचीत करना चाहूंगा। सर, क्या नाम आपका? हनुमान बेनीवाल को विजय बनाना है, उसे वोट देना नरेंद्र मोदी वास्ते। यानी आप मोदी के लिए बेनीवाल को वोट दे रहे? मोदी के लिए बेनीवाल वोट, दोनों के लिए। आप क्या कहेंगे? बस आई बात है, दुनिया की एक ही बात है, वो तो मतलब सर सर बैठा हमारे पास पास बैठे, इसलिए एक ही बात है, ये कह रहे कि अगर जीताना है तो हनुमान बेनीवाल को जीताना है और मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, ये लोग कह रहे हैं। आपका क्या नाम है सर? जयचंद। जयचंद जी, आप यहाँ पर किसके लिए आए हैं? हम तो बीजेपी के लिए ही हैं, बीजेपी हनुमान जी बेनीवाल के लिए। पहले हनुमान जी बेनीवाल बीजेपी का विरोध कर रहे थे, वो करा, लेकिन उसका सुधार अच्छा करता है किसानों के लिए। वो सिर्फ किसानों के लिए लाल को विरोध कर रहे थे, बीजेपी को विरोध नहीं कर रहे थे, वो काम के लिए विरोध कर रहे थे। वो तो ऑलरेडी पहले बीजेपी का ही था, अभी भी वो बीजेपी। वसुंधरा को गालियां निकाले, वसुंधरा काम नहीं कर रहे थे किसानों के लिए, हित में काम नहीं कर रहे, इसलिए वसुंधरा से ना दुश्मनी थी उनकी। अच्छा, मोदी से नहीं? मोदी से दुश्मनी नहीं थी, वो उनका नारा ही था कि मोदी से बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खेल नहीं है, ठीक है ना? ये नारा हनुमान, ये नारा बेनीवाल का नहीं था? नहीं, हनुमान बेनीवाल का ही था, किसानों के हित में था। देखिए लोग कितने समझदार है, और लोगों से बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रकाश बेड़ा। हाँ, प्रकाश जी, आपको क्या लग रहा है इस नागौर में? क्या मेरे को तो लग रहा है हनुमान जी बेनीवाल बहुत भारी मतों से जीत रहे हैं। बिल्कुल। और युवाओं के लिए और किसानों के लिए ये बहुत ही कर्मठ व्यक्ति है। ज्योति मिर्दा का क्या लग रहा है यहाँ पर आपको? ज्योति मिर्दा के हनुमान से कम है वोट। बेनीवाल से लोगों को ज्यादा उम्मीद क्या है इस क्षेत्र में? बेनीवाल से उम्मीद यही है कि वो हर बात है, वो जैसे विधानसभा में उठाते हैं प्रश्न उठाते हैं, तो उनके पास कुछ नॉलेज है, और युवाओं के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए ये बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। आप देख रहे हैं हर टाइप के लोग यहाँ पर हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, और सब में मैं एक बार इनसे दोबारा बातचीत करूंगा, एक बार नहीं चाहें। आप बताइए, क्या नाम बताया आपने? लालाराम बिडिया। हाँ, लालाराम जी, आप किसके समर्थक हैं? मैं तो समर्थन है बेनीवाल और मोदी सरकार के समर्थन। तो बेनीवाल, बेनीवाल ज्यादा अच्छा लगता है, मोदी अच्छा लगता है? जैसे बेनीवाल को जिता कर भेजेंगे ना, तो मोदी सरकार जो किसानों के हित के लिए कोई काम करेगा ना, तो वो बेनीवाल यहाँ से पहुँचाएगा। अभी कांग्रेस सरकार ने वादा किया था किसानों के लिए ऋण माफी का, उसको क्या भी नहीं किया कांग्रेस सरकार ने, किया है 12 बीघे से नीचे नीचे का मुआवजा मिलेगा, और ऊपर का कुछ भी नहीं है। जो ऊपर के जमी वाले कोई किसान नहीं है, वो भी किसान है। जो कोऑपरेटिव है तो उसको माफ है, जो केसीसी है ना उसको माफ नहीं है। तो कोऑपरेटिव जिसके किसके नहीं है, वो केसीसी है तो वो माफ नहीं है। आपको लगता है बेवकूफ बनाया गया? वो कांग्रेस बिल्कुल बेवकूफ बना रही है। आप सुन रहे हैं, सभी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने झूठा वादा किया था ऋण माफी का, कोऑपरेटिव के नाम पर कह दिया गया है कि इतने ऋण माफ किए, बाकी बैंकों के माफ नहीं हुए हैं, और सबको यही उम्मीद है कि अगर हनुमान बेनीवाल जीत गए और दिल्ली जाएंगे तो मोदी सरकार के साथ मिलकर वो किसानों की सुनवाई करेंगे, ये सारे लोग कह रहे हैं। बिल्कुल, और लोगों से बातचीत करेंगे, इधर बहुत सारे लोग खड़े हैं क्योंकि कुछ ही देर में हनुमान बेनीवाल यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। भाई, आपको क्या नाम है? हमारे को यही उम्मीद है सर हनुमान जी बेनीवाल को, ज्यादा से ज्यादा ये वोट है ना, वोटर उन्हीं के हैं ज्यादा। अच्छा, ऋण ये तो किसानों की बात हुई, और आपको क्या लग रहा है? और क्या लिए तो आपको जीतने के बाद में करेगी सरकार, पहले तो अपने को अब किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी क्या पता। आपको क्या लग रहा है सरकार किसी बनने वाली? अरे को तो यही लगता है ये भाजपा की सरकार बनेगी, मोदी जी की। आप सुन रहे हैं यहाँ पर सारे लोग हैं वो भाजपा और हनुमान बेनीवाल के समर्थक हैं, और आप देख रहे हैं काफ़ी भीड़ यहाँ पर हो चुकी है। कुछ ही देर में हनुमान बेनीवाल यहाँ पर आने वाले हैं, और वैसे भी आप जानते हैं राजस्थान के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से हनुमान बेनीवाल को गिना जाता है, और उनकी एक अलग पकड़ रहती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने नागौर सीट पर आप सब जानते हैं सीआर चौधरी जैसे नेता की टिकट काटकर हनुमान बेनीवाल के साथ उन्होंने गठबंधन किया है, और यहाँ का माहौल देख लग रहा है कि लोग हनुमान बेनीवाल और मोदी के साथ नजर आ रहे हैं। मैं एक चौगान में हूँ, यहाँ पर गांव में गुआड़ जिसको कहते हैं, वहाँ पर बहुत सारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, और मैं देख रहा हूँ कि खूब यहाँ पर चर्चा चल रही है। हनुमान बेनीवाल की यहाँ पर एक मीटिंग होने वाली है, और कुछ ही देर में जब तक हनुमान बेनीवाल आते हैं तब तक मैं लोगों से बातचीत करूँगा। और जी, क्या नाम आप? हनुमान। हनुमान जी, ये गाँव का ही हो? ये कोई हूँ। तो हनुमान जी के पक्ष में या दूसरी पार्टी के? हनुमान जी के।
हनुमान जी के मोदी के। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है हनुमान बेनीवाल मोदी जी के साथ मिलकर क्या काम करेंगे अगर जीतेंगे? अब काम तो भाई मनगंड काई करी हाँ करा ही जी, पर हनुमान के नाम वोट मिले। आपको क्या नाम है? लक्ष्मी नारायण। हाँ लक्ष्मी नारायण जी, आपको क्या लग रहा है कौन जीतेगा इधर? हनुमान जी की जीत लग रही है। अच्छा, तो हनुमान जी जीतेंगे तो सुनिए साहब जी, मैं हो गया 65 साल का। अच्छा, आज तक खुला वोट नहीं दिया हूँ मैं। अच्छा, छिप के दिया हूँ। अच्छा अच्छा, आज पहली मर्त मैं हनुमान जी का नाम ले रहा हूँ बस्ती के सामने। कभी भी नहीं किया भाई, हरदी राम जी को देगा, उसको देगा, उसको देगा। आज लहर देखा ना पूरी, तब मैं भी खुला हो गया। आप सुन रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मैंने आज तक बताया नहीं किसी को। आप थोड़ा उधर खींचे, मैं और लोगों से बातचीत करूँ। आप थोड़ा उधर हो जाए, देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, थोड़ा थोड़ा उधर हो जाए। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। बाबू जी आपको क्या नाम है? गणपत राम। हाँ गणपत राम जी, आप कहाँ के अनुसार? मैं तो हनुमान के फेवर में हूँ और मोदी जी के फेवर में हूँ, उनको वोट देता हूँ। अच्छा एक बात बताओ कि पहले हनुमान जी बेनीवाला वे भाजपा के खिलाफ बोलता और अब भाजपा के साथ गठबंधन करे, तो यूँ कहीं फर्क लगे था? फर्क कहीं लगे? आगे भावना उन्ना जुड़ गई, जहाँ एनडीए में समर्थन कर दिया अगला, और आपने किसान के बारे में भी विकास करवाई, शिक्षा संबंधी हर बात को मतलब सुधार करवाई। अच्छा, कर मतलब भाषण कर ये लोकसभा में भी। अच्छा, खुले दिल का आदमी है और बहुत अच्छा प्रत्याशी। बाबू जी आपको नाम? बारी मतों से जीतेंगे। मारो गिरदारी है। हाँ गिरदारी जी आप बताओ, दो फूंक के बाद में मारे एक चिलम की फूंक बाद में। हाँ हनुमान जी ने देना, हनुमान जी ने देना हो। अच्छा क्यों देना है हनुमान जी ने बताओ एक बार? आदमी मजबूत है। अच्छा, मजबूत आदमी है, मजबूत आदमी है, बोल तो आदमी हो। हाँ किसान ये बात बोल सके? बोल सके। अपार चुको राजस्थान का मैंने कांग्रेस की सरकार बनी, बड़ी बड़ी बात किसानों के बारे में करी, था लगे के थोड़ा घड़ो काम हुए किसानों को? धोखो हो, कोई छलाओ, कुछ नहीं हो, बेरोजगार भत्ते हो, क्यों कुछ नहीं दिया? सभी लोग ये कह रहे हैं कि किसानों के साथ धोखा किया गया है, कुछ भी नहीं किया गया है। बाबू जी आपको क्या नाम है? प्रभु नाम है। प्रभु जी आप बताओ, आप किसके पक्ष में हो? मैं तो हनुमान बेनीवाल के यहाँ। तो हनुमान बेनीवाल, अगर मैं एक चीज जानना चाहूँ, अगर बेनीवाल कांग्रेस के साथ गठबंधन कर ले तो आप बेनीवाल ने देता वोट? छोर आई चिंता यानी थे सब हनुमान बेनीवाल के पक्ष में, पार्टी कोई भी हो? पार्टी हूँ कहीं करना, आपने वोट जीना है। आपका नाम? बुद्धाराम है। अच्छा बुद्धाराम जी आप ही बताओ कि अगर हनुमान बेनीवाल कांग्रेस आगे हो तो बीजेपी देता है बेनीवाल ने देता? तो मोदी ने जीता। हाँ बात है, ओनली मोदी खातिर जा। सुने अगर ये कह रहे कि बेनीवाल को देता तो ये कह रहे हैं कि मैं मोदी को देता, और बहुत बड़ी चीज़ है ये, निश्चित रूप से ये चुनाव है, एक बार फिर मोदी के नाम पे लड़ा जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाबू जी आपको क्या नाम है? झूमर नाम है। हाँ झूमर जी, लोग मोदी बेनीवाल का नाम झूम रहे, थाने का तो भी अलग रहे मान तो मोदी रहे दो ही दिखे और दिखे ही कौन को ऐ लगे मान तो जोर का ए आदमी मजबूत है वो दोनों आदमी मजबूत है, बोलता आदमी है, आगे खाई जो करने वाला आदमी है। राहुल गांधी रे तत तत करे मांगे प्रश्न कोनी सा सीधी बात आ है। मोदी के अलावा थाने लगे देश में कोई नेतो है जो प्रधान बड़ो नेतो हिंदुस्तान में कौन लगे? यानी थाने को लगे? हां कौन लगे? ओ ये नेतो ये बार पक्को नेतो ये देखो मैं और लोगों बातचीत करूं, आपने लगे के अगर एक मिनट अगर भाजपा की सरकार नहीं आवे, दूजी की सरकार अगर बन जाए सहयोग करो, तो था लगे कोई प्रधानमंत्री के लायक आदमी है देश में? लायक तो कौन सा फिर कोई ने चुनी अगला, पर बम खिचड़ी भाषा सी गए, कोई मायावती गए, मैं ममता जी मैं और मतलब सब खेचा था गए। आपने लगे कोई है प्रधानमंत्री लायक? सारे लोग ये कह रहे हैं कि मोदी के अलावा सिर्फ मोदी है और कोई नहीं। सब लोग यही कह रहे हैं कि मोदी है, मोदी के अलावा प्रधानमंत्री के लायक कोई नहीं है। पीछे मैं देख रहा हूँ कुछ युवा लोग खड़े, मैं उनसे बातचीत करूंगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुकेश है। हाँ, मुकेश बताइए आपको क्या लग रहा है देश में प्रधानमंत्री के लायक कौन है अभी? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी अगर भाजपा की सरकार नहीं बने और कांग्रेस की सरकार आ जाए तो आपको लगता है कि उनके पास कोई नेता है पीएम के रूप में? कांग्रेस के पास कोई विकल्प ही नहीं है। नहीं नहीं। राहुल गांधी के बारे में आपका क्या ख्याल है? राहुल गांधी अच्छे नेता नहीं है। अच्छे नेता नहीं है राहुल गांधी। राहुल गांधी पप्पू है पप्पू। यहाँ अभी कांग्रेस की सरकार बनी है राजस्थान में, तो कांग्रेस की सरकार में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें मेडिकल की दवाएं फ्री आती है, वो मेडिकल की दवाएं जब सप्लाई होती है रात के टाइम में, तो उसमें राजस्थान के सबसे जो शराब की फैक्ट्री है डोला मारू देसी शराब की,
फैक्ट्री है सबसे प्रसिद्ध, वो मेडिकल की दवाइयों के जगह डे वो शराब सप्लाई करते हैं। आप सुन रहे हैं, ये देख कुछ विवादास्पद मुद्दे भी हैं, आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन एक बार इधर दिखाएं, ये देखिए ये सब बुजुर्ग हैं गांव के और ये सब यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं और कुछ ही देर में बेनीवाल यहाँ पर आएंगे। देखते हैं बेनीवाल का स्वागत यहाँ पर कैसे किया जाता है। देखिए इन चुनाव में एक नाम काफी चर्चित हो रहा है, चौकीदार, और भाजपा के लोग अपने नाम के आगे चौकीदार लगा रहे हैं। यहाँ पर भी एक चौकीदार है, क्या नाम है सर आपका? बमरा राम। चौकीदार क्यों लगाते हो आप? चौकीदार पहले का वो लगी और आप पहले कहते, और अब मोदी को लोग चौकीदार कहते हैं, आपको कितना अच्छा लगता है? मोदी जी थंगा भाई हो गया, हाँ तो भाई हो गया चौकीदार। आप सत में चौकीदारी कर रहे हो पहले? मैं तो कहीं गिरोड़ा, मैं पिताजी करता। अच्छा, आपका पिताजी ना, आप परिवार का नाम चौकीदार लागे? बिल्कुल। तो मोदी जी ने चौकीदार क्यों के लोग थाने कहीं लागे? सेवा करे दुनिया की, सेवा ये करता। वास्तव में चौकीदारी करे मोदी जी? वास्तव में चौकीदारी। आप क्या कह रहे हो? ठीक है, देश की चौकीदारी करे, मैं चौकीदारी करे। ये कह रहे हैं मोदी जी भी चौकीदारी करे और इनके पिताजी ने चौकीदारी की तो इनका नाम भी चौकीदार बन गया और अब मोदी जी के पीछे सारे लोग अपने नाम के आगे चौकीदार लगा रहे हैं। अब देखते हैं कि इस बार चौकीदार कौन बनता है। अगर इन लोगों की बात सुने तो इस बार पुनः लग रहा है कि मोदी ही चौकीदार बनेंगे देश के। नागौर जिले का ये प्रसिद्ध पहनावा है, सिर पर सफेद पगड़ी, ये नागौर जिले में इस क्षेत्र में देखने को मिलता है, हमारे जिले में चुरू जिले में बहुत कम देखने को मिलता है और यहाँ पर सारे सफेद पगड़ी वाले लोग बैठे हैं और ये कहा जाता है नागौर जिले के में कि जो सफेद पगड़ी वाले लोग होते हैं वो समझदार होते हैं और वो कभी झूठ नहीं बोलते, एक बार जो कह देते हैं वही करते हैं। मैं और बहुत सारे बुजुर्ग हैं उनसे बातचीत करूंगा। आपको क्या नाम है? हनुमाना राम। हनुमाना राम जी थे नाम राशि हनुमान जी बाहर आ रहे हैं तो कहीं लाग रहे थान माहौल? ठीक ही लागे, ये नयो आदमी है, बोलता आदमी है, किसाना के हित की बात करने वाला है। अच्छा अच्छा, मतलब गरीब अमीर के साथ ये बड़ो आदमी है। अच्छा अच्छा, बढ़िया आदमी। अच्छा थे हनुमान बेनीवाल के कण सागो या मोदी जी के भी सागो? मैं तो ये बेनीवाल के सागे यार। अगर बेनीवाल कांग्रेस में गठबंधन करता तो भी? तो कांग्रेस में जी सौर में जीता। आप सुन रहे हैं ये बेनीवाल के समर्थक हैं। आपको क्या नाम है? दूड़ा राम है। आपके क्या पक्ष में हो? ये चौधरी बताइए, आई पकड़ मां की है। ये चौधरी जी बैठे हैं, इन्होंने कहा वो इन्हीं की बात है कि बेनीवाल जहाँ हैं उनके साथ हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मोदी के साथ हैं, लेकिन कुल मिलाकर आप देख रहे हैं यहाँ पर जितना भी माहौल है इस गांव में वो केवल और केवल एनडीए के पक्ष में यानी हनुमान बेनीवाल और मोदी पे पक्ष में नजर आ रहा है। ये रताऊ गांव है जो कि नागौर जिले में है और यहाँ पर एक गुआड़ है जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं बुजुर्ग, मैं सबसे बातचीत कर रहा हूँ। गांव के पंडित जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। पंडित जी क्या नाम आपका? गोविंद प्रसाद। हाँ, गोविंद प्रसाद जी आपको क्या लग रहा है इस बार आपकी भविष्यवाणी क्या हो रही है? भविष्यवाणी यही है मोदी जी की सरकार है। अच्छा, मोदी जी का जो विकास है ना उसके पीछे वोट है, लेकिन जो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने कोई विकास नहीं किया, ये से ये कहने वाले कहते क्या क्या किया आपके हिसाब? सब कुछ किया, नहीं नोटबंदी सब कुछ किया, विकास है मोदी जी का। चले पीछे से लोग नोटबंदी कह रहे हैं, आपको लग रहा है कि नोटबंदी कोई दुख साथ नहीं है? अच्छा हुआ का? हाँ अच्छा हुआ। अच्छा, और जीएसटी का? जीएसटी का अच्छा है। आपको आप बता सकते हो उसे क्या फायदा वाले को? फायदे वाले की मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ लेकिन अच्छा है। हाँ। अच्छा, यहाँ पर बेनीवाल जी जो है मिले हैं मोदी जी की पार्टी के साथ, तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? बस मोदी जी के पीछे उनको वोट देंगे हनुमान जी को, यानी आप मोदी के पक्ष में? हाँ, नहीं हनुमान जी के पक्ष में, हमारी पार्टी में आई है। हाँ, देंगे। आपका क्या नाम? अनिल बेड़ा। हाँ, अनिल आप किसके पक्ष में? हम हनुमान बेनीवाल के पक्ष में। अच्छा, हनुमान बेनीवाल मोदी जी के साथ है इसलिए या पहले से हनुमान बेनीवाल? हम पहले से भी हनुमान बेनीवाल के साथ है क्योंकि वो और गांव कस्बों में छोटे से छोटे रात के 2 बजे भी हनुमान बेनीवाल लोगों के लिए चले जाते हैं और कोई भी किसी भी जात 36 कौम के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, इसलिए हम उनके साथ हैं। और मोदी जी ने भी भारत में भारत का नाम ऊंचा किया है, विश्व गुरु बनने की तरफ ही है हमारा देश, इसलिए हम उनके साथ हैं। आप सुन रहे हैं ये युवा है, ये कह रहे हैं कि विश्व में मोदी ने नाम ऊंचा किया है इसलिए मोदी जी के पक्ष में। आपको क्या नाम है? किशन सिंह है। किशन सिंह जी, क्या यहाँ पर आप आए हैं, क्या कहेंगे यहाँ पर जो बेनीवाल जी की मीटिंग हो रही है? बेनीवाल जी की मीटिंग बहुत अच्छा है, कैंडिडेट है और हम मोदी को देख के वोट दे रहे हैं और मोदी जी ने बहुत अभी पाकिस्तान के लिए काम किया तो बहुत अच्छा काम किया है। पाकिस्तान के लिए ऐसा क्या किया? वो तो हमारे लिए ऐसा किया, हमारे लिए किया लेकिन वो पाकिस्तान को सबक सिखा दिया मोदी जी, पाकिस्तान सबक सिखा दिया। और आपको क्या लग रहा है अगर बेनीवाल जीते हैं तो क्या करना चाहिए इस क्षेत्र के लिए? बेनीवाल जी बहुत बढ़िया काम करेगा, हमारे बिजली माफ कर देगा और पानी का बिल भी माफ कर देगा
वो एक किसान नेता, मजबूत नेता है। आप सुन रहे हैं, किसान नेता के रूप में बेनीवाल को जाना जाता है और सब लोग यही आशा करें कि वो आएंगे तो पानी के बिजली के बिल है वो माफ़ कर देंगे। और ज़्यादातर लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने वादा किया था किसानों की ऋण माफ़ी का, लेकिन वो किसानों के साथ धोखा किया गया था, ऋण माफ़ी हुई नहीं है। और यहाँ पर लोग कांग्रेस से नाराज़ और बेनीवाल और मोदी से खुश नज़र आ रहे हैं।